ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और इस वजह से कहीं पे भी ऐसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, निवेश मत कीजिएगा जिसमें नुकसान हो सकता हो, किसी की बातों में नहीं आना है। हेल्थ सेक्टर में भी आज फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए चिंताओं से बचना है। ये ध्यान के रख के चलिए कि चिंता किसी भी चीज़ का हल नहीं होती है, सोचने से समस्या का समाधान नहीं होगा, चिंता करने से समाधान नहीं होगा। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में देशी घी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, खुद के लिए अच्छा सोचिए, आँखें खोलकर नए दिन की शुरुआत कीजिए, और जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, जो परेशानियां हैं, हमें केवल उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, शुक्राना करना है उस गुरु का, उस कान्हा का, उस मैया रानी का, जिन्होंने हमें मनुष्य जीवन दे दिया, इतनी खुशियां दे दी। अब समस्याएं तो हैं, वो तो आती रहेगी, तो हम उस पर फोकस करने की बजाय शुक्राना अदा करें। किसी महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की दिशा में आज ठोस प्रगति होगी। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि धनु राशि, कुछ नया करने का मौका मिल सकता है, परेशानियों और चिंताओं पर कंसंट्रेट करने की बजाय अपने आप पर विश्वास रखकर उन परेशानियों का, उन चिंताओं का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए जरूरतमंद को आवश्यकता के अनुसार जो भी उसकी आवश्यकता हो, एक्स वाई जेड, उसे दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अजमेर से दिव्या जी हैं, जो कि अपनी बहन साक्षी के लिए जानना चाहती हैं। साक्षी की जन्म की तारीख है 10/1/2007 और जन्म का समय है शाम का 5:40 का। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, दिव्या जी अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी, मतलब इसका मतलब स्वभाव कैसा रहेगा बड़े होके? अभी कैसा है? अभी मतलब इसका स्वभाव मतलब जैसे चालाकपना वो ज्यादा है इसमें, मतलब गुस्सा कैसा है? हाँ, गुस्सा कितना आता है? क्या गुस्सा कितना आता है पढ़ाई में? मतलब कि ध्यान मतलब थोड़ा रहता है, थोड़ा नहीं रहता है, मतलब सही है पढ़ाई में, लेकिन अभी मतलब कमजोरी है। ऐसा है दिव्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि इस बच्चे का स्वभाव कैसा रहेगा बड़ी होके, और चालाक शब्द आपने काम में लिया। छोटी सी बच्ची है, अभी तो 2007 यानी 8-9 साल की बच्ची है, तो उसमें क्या चालाकपना होगा, ये तो बचपना है। आप भी खुद भी बच्ची लग रही हैं हमें, इसलिए आपकी बात को हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। जहाँ तक इस बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है, मंगल साथ में है, मांगलिक कुंडली है, एजुकेशन लाइन के अंदर काफ़ी अच्छी जाएगी ये बच्ची, और इसका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखमय रहेगा, और मंगल होने के कारण कहीं ना कहीं जो है वो इसके नेचर में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस, गुस्सा इसके रह सकता है। फिजिकल हाउस का, शरीर के घर का जो स्वामी है बुध अस्त है, इसलिए हेल्थ सेक्टर का ध्यान दीजिए। कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष की विधिवत पूजा करवा लीजिएगा उज्जैन जाकर इस बच्ची की। हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए, और ये बच्ची काफ़ी नाम भी रोशन कर सकती है आपके परिवार का, इसमें कोई दोराय नहीं, कुंडली अच्छी है और इसका भविष्य भी बेटा अच्छा ही रहेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सुनीता जी हैं नागौर से, जो कि अपने पुत्र गोविंद के लिए जानना चाहती है। गोविंद की जन्म की तारीख है 18/6/1997 और जन्म का समय है इनका रात का 9 बजे का। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। सुनीता जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। बोले बेटा, पूछिए। हाँ गुरुजी, मैं इसके करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी क्या कर रहा है? अभी ये बीसीए सेकंड ईयर कर रहा है। ओके, ठीक है, आगे क्या करवाना चाहते हैं? आगे एमसीए करके क्या सरकारी जॉब ऐसा कुछ करेगा क्या ये? देखो बेटा, सुनीता, इस बच्चे की जन्म कुंडली में अनुराधा नक्षत्र का जन्म है, नीच का चंद्रमा इसके जन्म कुंडली में द्वादश भाव में बैठा है, साथ में नीच का गुरु भी इसके धन भाव में बैठी है, और नौकरी व्यापार के घर में मंगल राहु की युति बनी हुई है, और वहाँ का जो ऑनर है बुध वो अस्त है। सरकारी नौकरी के चांसेस कम हैं इसके जन्म कुंडली में, खुद का व्यवसाय बिजनेस करने के चांसेस ज़्यादा हैं।
जन्म कुंडली भी देखा जाए तो वैसे सब अच्छी है, लेकिन आपका जब लग्नेश सोचने का घर का स्वामी ही नीच का हो जाए तो सोच अच्छी रखे, चंद्रमा नीच का हो गया तो कहीं ना कहीं संगत अच्छी रखे, यारी दोस्ती अच्छी रखे, दो जने कहीं लड़ रहे हो मर रहे हों तो बीच में जाके अपने पंचायत ही नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद में दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ें बंद कर दीजिए, सफ़ेद कपड़े सूर्यास्त के बाद में पहनाना बंद कर दीजिए, इवन बेडशीट भी वाइट नहीं होनी चाहिए। हर सोमवार को एक एक चांदी का चंद्रमा लेके शंकर भगवान के मंदिर में इसके हाथ से चढ़वा दीजिए, 8 सोमवार तक करना है ऐसा आपको। सरकारी नौकरी के बजाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की बजाय गवर्नमेंट, खुद के व्यापार के अंदर ये बच्चा काफ़ी सक्सेस हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। नियमित रूप से इस बच्चे को बोलिए सूर्य भगवान की आराधना करें, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य करवाइएगा। तो चलिए दर्शकों भी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अंतिम तीन राशियों की, जो कि मकर, कुंभ, मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आप किसी बात के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्ट करते समय अपनी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मत कीजिएगा। जो कठिन विषय हैं या जो चिंता के पक्ष हैं उन पर अभी फिलहाल चर्चा नहीं करनी है, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी छोटी कन्या को एक समय का भोजन करवाइएगा आज के दिन की सफलता के लिए। अगली जो राशि कुंभ राशि, बहुत सुंदर से अवसर मिल सकते हैं जीवन में उन्नति के लिए, उन्हें जाने मत दीजिएगा, अपनी योग्यता पर भरोसा रखिएगा, गलत आदतों पर नियंत्रण रखिएगा, माँ तुलसी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अंतिम जो राशि मीन राशि, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी मत होने दीजिए, बड़ों की सलाह लीजिए और एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपनी जो एनर्जी है उसको एक राइट डायरेक्शन में लगाएं। किसी की आलोचना नहीं करने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों ये तो हमने बात की आज के दैनिक राशिफल के बारे में, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया आपके लिए। अक्सर आपने ध्रुव तारे के बारे में सुना होगा, सबसे चमकता हुआ, सबसे ऊपर क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है। भक्त ध्रुव का नाम जो है वो प्रेरणा पुंज माना जाता है, बालकों में सर्वप्रथम स्मरण करने लायक माना जाता है। ध्रुव के पिता का नाम राजा उत्तानपाद था, उनकी माता का नाम सुनीति था, उनकी दूसरी सौतेली एक माँ थी, बहुत सारी रानियाँ होती थी, तो दूसरी जो माँ थी उसका नाम था सुरुचि। रानी सुरुचि का जो पुत्र था वो राजा को बहुत अधिक प्रिय था, ध्रुव को उतना नहीं चाहते थे। एक दिन राजा यानी पिता ने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनकी गोदी के अंदर ध्रुव का जो सौतेला भाई था वो बैठा हुआ था, तो वो जो ध्रुव वो भी बच्चा था मचल गया राजा की गोदी में बैठने के लिए, लेकिन रानी सुरुचि ने उससे रोक दिया और कहा कि राजा की गोद में मेरे राजा की जो गोद है वो मेरे ही पुत्र के योग्य है, तो ध्रुव यदि तुम राजा की गोदी में बैठना चाहते हो तो इतने पुण्य संचित करो तभी तुम उसके योग्य हो सकते हो। वो छोटा सा बालक था लेकिन बड़ा ही स्वाभिमानी था, रानी की जो कड़वे जो वचन थे, दुत्कार थी, उसने उस बच्चे को झकझोर दिया। तो बालक ध्रुव ने उस दिन प्रतिज्ञा की कि मैं दूसरों के द्वारा दिए गए स्थान को कभी ग्रहण नहीं करूंगा, नेवर, मैं स्वयं हार्डवर्क करके, परिश्रम करके, तपस्या करके अपना स्थान स्वयं बनाऊंगा और ऐसा स्थान प्राप्त करूंगा जो किसी और ने आज तक प्राप्त नहीं किया होगा। ध्रुव की माता ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालक ध्रुव ने घोर तपस्या करी और अंत में भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए, वर मांगने को कहा तो ध्रुव ने कहा कि हे प्रभु, हे हरि, मुझे ऐसा पद दीजिए जो सब पदों से ऊंचा हो, अपना अलग महत्व रखता हो और जिस पद पर आज तक कोई विराजमान न हुआ हो। तो भगवान विष्णु ने उसे सभी तारों के बीच में, तारामंडल के बीच में सर्वोच्च स्थान दिया और वो ध्रुव तारा बनकर अमर हुआ। इसलिए आज ध्रुव तारे को सब तारों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। तो दोस्तों, बहुत मुश्किल से आपको मनुष्य जीवन मिला है, कौन जाने कि इस जीवन के पश्चात दोबारा मनुष्य जीवन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बस
कुछ ही क्षण, कुछ ही पल, कुछ ही साल है आपके पास अपने आप को ध्रुव तारे के समान पूरी दुनिया को प्रकाशमान करने के लिए। तो आप भी अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान को हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है खुद पर आत्मविश्वास की। यस यू कैन डू, यू हैव टू डू। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, आशा करते हैं हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ ध्रुव तारे की इस कहानी के माध्यम से जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी को एक शानदार सा संदेश देने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपनी समस्याओं के हल। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।